नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज कुमार और चलिए मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। मेरिट लिस्ट आपका निकल चुका है FYUG कॉमर्स साइंस और आर्ट्स का, बॉयज गर्ल्स सबका निकल चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो है मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपका पूरा एडमिशन होगा, अंत तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि हर तरह का आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ किस तरह से प्रोसेस से एडमिशन होगा, कटअप में क्या किया गया है, किस तरह से आपका कैलकुलेट किया गया है और आपका किसी का लिस्ट नहीं दिख रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारा चीज़ डिटेल बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, मैं डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ मेरा चेहरा दिखे, मैं डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, सारा प्रोसेस A to Z बताने जा रहा हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मारवाड़ी का हर तरह का अपडेट आपको मैं इस चैनल पर देते रहा हूँ। और सबसे पहली बात है कि अगर आप व्हाट्सअप में नहीं जुड़े हैं एनकेपी प्रोडक्शन के तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी जाकर के आप जुड़ सकते हैं। जिन्होंने अपना मेरिट लिस्ट देख लिया है बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के डायरेक्टली उस लिंक से देख सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सचेतना देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा क्या कि आप फर्जीवाड़ों से थोड़ा सा बच के, दलालों से थोड़ा सा बच के, किसी को पैसा की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो आपका एडमिशन फी है बस उतना ही लगेगा। और जब आपका नाम आया है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपका एडमिशन होगा। प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से आप हट सकते हैं एडमिशन से, मतलब कि आप छट सकते हैं, इसका मैं भी डिटेल बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि कटअप आपका आ चुका है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा होगा। तो एडमिशन लेने का प्रोसेस जो है, सबसे पहली बात है कटअप लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, कटअप लिस्ट में नाम है तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म है। उसके बाद में कंफर्म भी नहीं है, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अभी है लिस्ट में, मान लीजिए आपका नाम आ गया है, लिस्ट में नाम आ गया तो उसके बाद क्या करना है, आपको सारा डॉक्यूमेंट, आपको एक लिंक दिया गया है, मैं वो भी दिखाऊंगा कहां से लिंक में आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो आपको लिंक दिया गया है, उसमें पहले डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें, उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन मिलेगा, मतलब कॉलेज की तरफ से वेरीफाइड कर दिया जाएगा कि आप सही सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं 12 से 24 घंटा के अंदर में कॉलेज से आपको अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल मिलेगा कहाँ पर, कहाँ से चेक कर सकते हैं आपको अप्रूवल मिलता है, वो चांसलर पोर्टल में जाकर के आपको चेक करना होगा। चांसलर पोर्टल में जाइएगा, वहाँ पे चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, एडमिशन फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, एडमिशन फी पेमेंट कीजिएगा, वहाँ से फिर पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद में वो रिसीप्ट को रखे हुए रहेंगे वहाँ तक कि आपकी प्रोविजनल एडमिशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जब तक आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा, इस खास बात को आप समझ लीजिएगा। अभी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या आई है मैं सारा डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले बताना चाहेंगे कि आप 60% जो सीटें हैं वो CUT वालों के लिए है, 40% जो सीटें हैं वो नॉन CUT वालों के लिए है। तो कैलकुलेट कैसे किया गया वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, अब बस बने रहिए वीडियो में। और थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिनको दिक्कत हो रही है कि पेमेंट कैसे करना है, सबसे पहली बार डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन मिल जाता है, तो फिर पेमेंट चांसलर पोर्टल में कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक साल पहले बनाया था, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, सबसे पहला लिंक वही दिया हुआ है कि चांसलर पोर्टल में फी कैसे पेमेंट करना है, उसके लिए मैं अलग से प्रोसेस नहीं बताऊंगा, वहां पे जा करके आप चेक कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होती है तो मैं डिटेल में बताया हूं उसमें। और चलिए मैं अभी आप बताने जा रहा हूं कि मेरिट लिस्ट में कटअप आपका कितना गया है और क्या क्या प्रोसेस है सारी। तो दोस्तों मैं अपना ग्रुप ही खोल लिया हूँ, एनकेपी प्रोडक्शन का व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें ये सारा डिटेल दिया गया है, जो मैं हमेशा वेब डालते रहता हूँ इस ग्रुप में, ताकि आप जुड़ करके इसमें भी आप ले सकते हैं सारी जानकारी। तो देखिए, आप कटअप की बात करें तो MCR कटअप जो है FYUG के, ये आपका साइंस का है, साइंस में कटअप कितना गया है, मैथ्स में जो है CUT जो दिए थे उनको 33% से ऊपर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पर आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो मैं बता रहा हूँ ये, फिर CUT एंड नॉन CUT वालों के लिए 86% गया है, 86.1%, फिर CUT के लिए EWS में नहीं है, तो इसमें डिटेल ये आपको दिया गया है जो मैं आपको ग्रुप में भी भेज दिया हूँ। जूलॉजी में जो है 104 गया है ओपन मेरिट में, BC में कम गया है थोड़ा सा, BC1 BC2, SC और ST में थोड़ा कम गया है। वहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी में है कि 33% से ऊपर जिनका भी है वो एलिजिबल है, मेरिट पॉइंट जिनका है भी है। उसके बाद बात करें कि आपका, देखिए ये कटअप पॉइंट आपका मेजर साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए आपको दिक्कत हो रही होगी कि लिस्ट आपको नहीं मिल रहा था, लिस्ट कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा वो भी बता दें। तो बॉयज़ का जो है यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहली बात है बॉयज़ के लिए
कि आपका कटअप यहाँ पे दिया गया, लिस्ट भी आई है। और गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स में आपका 33% से ऊपर जिनका भी है, जिनका भी 33% से ऊपर है वो सब एलिजिबल हैं। अगर 33% से नीचे हैं तो एलिजिबल नहीं है। अगर आपका मेरिट 33 से ऊपर है तो इसलिए आपको लिस्ट नहीं दिया गया है। तो 33 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे, क्योंकि 33 से ऊपर ही पास होता है वही एलिजिबल होता है फॉर्म भरने के लिए, तो 33 से ऊपर जिनका है वो सारे एलिजिबल हैं, आप सिलेक्टेड हैं अगर 33 से ऊपर है। तो ये आपका बीकॉम गर्ल्स के लिए हो गया। वहीं पर बात करें आपका, देखिए कट ऑफ मेरिट पॉइंट, ये आपका बॉयज सेक्शन के लिए, बॉयज सेक्शन आर्ट्स के लिए इंग्लिश में 129.1 गया है CUT का, वहीं ज्योग्राफी का 95.23 गया है, और नॉन CUT का 90% गया है। कटअप बहुत ही हाई गया है इंग्लिश का 90%, 91% में भी उठाया गया है। आपको इस तरह का डिटेल पूरा दिया गया है, आप उस पर भी देख सकते हैं। उर्दू में जो है सब सेलेक्टेड है, संस्कृत साइकोलॉजी में जो भरे होंगे सब सेलेक्टेड है। कुरुक में 64.2% गया है, वहीं पर खोठा, मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली, फिजियोलॉजी, इसमें सब सेलेक्टेड है। बाकी सबके लिए कटअप दिया गया है, उसके लिए आप चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट में मैं बता दूंगा अभी कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहीं पे गर्ल सेक्शन की बात करें तो गर्ल सेक्शन में देखिए इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, होम साइंस, उर्दू, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, संस्कृत में जिनका 33% से 33 मेरिट पॉइंट्स ऊपर है वो पास हैं, समझ लीजिए वो पास हैं, आप आपका फॉर्म आगे का भर सकते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश में आपका कट ऑफ गया है। तो सबसे कट ऑफ हाई गया है तो वो आपका इंग्लिश में गया है, मारवाड़ी कॉलेज रांची में इंग्लिश में सबसे कट ऑफ हाई गया है, तो वो 90% BA के लिए। और अगर साइंस की बात करें तो आपका 91.535% गया है जो जूलॉजी का गया है। तो ये रहा कटअप की बात। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दिया गया है आप देख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली बात है क्या क्या दिया गया है, तो आप ये खास बात देख लीजिए कि आपका एडमिशन के लिए आपका लिस्ट में नाम होना जरूरी है, उम्मीदवार का नाम होना जरूरी है, तभी आप उसमें से एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी पॉइंट आते हैं, दूसरी पॉइंट में साफ साफ आपको बताया गया है कि आपका जो अमाउंट है ऑनलाइन एडमिशन फी, तो वो है आपको ड्यू, जो ड्यू डेट दिया गया है उसी के अंदर में आपको करना है। 28 जो आपका मेरिट लिस्ट में दिया गया है डेट, कितना तारीख तक आपको करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर उससे आप एक्सीड करते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो मेरिट लिस्ट दिया गया उसमें आपका डेट ऑलरेडी दिया गया है। और उसके बाद में आपको पेमेंट जो करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो चांसलर पोर्टल के थ्रू से आपको एडमिशन फी पेमेंट करना है, उसके अलावा दूसरा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। अभी जो आपको डॉक्यूमेंट जो है, इसके बाद अभी तो जो आप डालेंगे वो ठीक है, उसके बाद में जब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट? CUT स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, दोनों इफ अप्लीकेबल। अगर CUT दी हैं तो ये दोनों चाहिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, 10th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड और मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप या तो फिर आपका ID कार्ड पुराना स्कूल का जिसमें आप थे, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए आपका। उसके बाद में UG एडमिशन के लिए आप ले रहे हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी, स्कूल लिए जो मैंने पहले भी आपको बताया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, CLC, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, EWS, BPL या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो तो उसके लिए अलग से आपको है। हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड कर अप्लीकेशन का फॉर्म का उसको ले आइएगा। एडमिशन फी जो आप पेमेंट कीजिएगा चांसलर पोर्टल में उसका 2 कॉपी आपको लगाना होगा, जेरोक्स कॉपी उसका, और उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट है इसका सारा का 2 कॉपी आप तैयार करके रखिएगा। इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा पाया जाता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या गलत डाटा आप डाले होंगे, गलत नंबर डाले होंगे, अगर आपका जो भी नाम डाले हैं, कैलकुलेशन भी डाले हैं, अगर वो गलत डाले होंगे तो आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे मेन पॉइंट में आते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, 60% सीटें जो हैं वो CUT वालों के लिए है और 40% जो है वो नॉन CUT वालों के लिए है। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन कैसा किया गया है, तो कैलकुलेशन ऐसा किया गया है कि आपका जो CUT वालों के लिए है, CUT स्कोर जो है, तो उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर जो आपका है CUT का सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया था मेजर पेपर में उसका, और मैक्सिमम वेटेज जो आपका अवार्ड किया गया है उसके लिए, उसका दोनों जोड़ करके आपका मेरिट पॉइंट बना है। वहीं पर बात करें नॉन CUT वालों के लिए, तो विदाउट CUT स्कोर वालों के लिए, तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दें कि आपका जो 12th का सब्जेक्ट जो आप जिसमें अप्लाई किए हैं, जैसे जूलॉजी में अप्लाई किए तो जूलॉजी का आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में और मैक्सिमम वेटेज अवार्डेड इफ टू द एप्लीकेंट, मतलब मैक्सिमम जो भी अवार्डेड किया गया उसको लेकर के आपका मेरिट पॉइंट बना है। वहीं पर बात करें कि CUT स्कोर विद चेंजिंग द स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो आपका जो एवरेज मार्किंग जो है 12th में उसको लिया जाएगा। यहीं पर बात करें हम आपका कि आपका अगर मान लीजिए आप CUT का एग्ज़ाम दिए हैं और वो सब्जेक्ट में नहीं था, दूसरा सब्जेक्ट में भर दिए हैं, तो फिर आपका 12th का जो मार्क्स होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप।
थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि आपको सारा डिटेल मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है मारवाड़ी कॉलेज रांची। जैसे आप इस पर सर्च करते हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची में जाइएगा, यहाँ पर देखिए आपको रेड कलर का आपका नोटिस आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए BA BSc BCom सिलेक्शन लिस्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ पर भी नहीं आते तो इसको कट कर दीजिएगा, वहाँ से कीजिएगा डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा। तो एडमिशन में आपको जाना है, एडमिशन में जाइएगा। जैसे एडमिशन में जाते हैं इस तरह का आपका एप्लीकेंट खुलता है, यहाँ से देखिए डेस्कटॉप मोड होता है। अगर डेस्कटॉप मोड में अगर ऑन रहेगा तो फिर आपका नहीं खुलेगा, तो डेस्कटॉप साइट में मत कीजिएगा। अगर साइट में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो, और मोबाइल में तो फिर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो नहीं लेगा कॉपी। उसमें आपको क्या करना है, कटअप यहाँ पे दिया गया है, कटअप में आना है। कटअप में जैसे आते हैं देखिए इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस तरह का ऑप्शन में आते हैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे यहाँ पे वोकेशनल कटअप दिया गया है जो पहले निकल चुका है, यहाँ BSc कटअप 2023 दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे गाइडलाइन आपका निकलेगा, कटअप निकलेगा और लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिस्ट में क्लिक कीजिएगा। जैसे आप मैथ्स में क्लिक किए फर्स्ट बॉयज सिलेक्शन लिस्ट, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा वो डाउनलोड हो जाएगा आपका, और वो डाउनलोड होने के बाद में आप देख सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ये लिस्ट आपका निकल गया। तो ये लिस्ट आपका निकल गया, इसमें आपको सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे कैसे एडमिशन लेना है। 28/8/2023 से पहले आपको एडमिशन ले लेना है, अन्यथा आप एडमिशन उसके बाद नहीं ले सकते हैं। तो अब प्रोसेस क्या है इसका आगे का भी बताने जा रहे हैं। उसी के साथ में बात करें, देखिए बीकॉम कटअप यहाँ पे 2023 का दिया गया है, तो 23 का देखिए कटअप, तो यह कटअप इसमें दिया गया है जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है। और ये जो कटअप दिया गया है बॉयज सेक्शन का, गर्ल सेक्शन का इसलिए नहीं गया कि दिया गया है क्योंकि 33% से जिनका भी ऊपर है वो एलिजिबल है, वो कर सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पे कटअप बॉयज आपका BA कटअप जो है BA का कटअप, तो इसमें गर्ल्स और बॉयज करके यहाँ पे सारा लिस्ट दिया गया है। और ये रहा लिस्ट, अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं ताकि आपको पूरी अच्छे से समझ में आए। तो लिस्ट आपको यहाँ से दिख जाएगी, कहाँ से दिख जाएगी, नीचे में लिस्ट है, कटअप है। और अब देखिए अब लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आपको क्या करना है, कॉलेज के वेबसाइट में यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया, अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर आप बॉयज सेक्शन से हैं, कॉमर्स में बॉयज़ में है, तो आपको ऊपर वाला में क्लिक करना है एक नंबर में। अगर गर्ल सेक्शन से कॉमर्स लिए हैं तो आपका दूसरा में क्लिक करना है। आर्ट्स अगर बॉयज सेक्शन से भरे हैं तो तीसरा में, चौथा में अगर आर्ट्स गर्ल सेक्शन से हैं तो चौथा में, और साइंस अगर है आपका कंबाइन तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर किसी में भी आप अपलोड कर, जिसमें आपका है उसमें आप अपलोड कीजिएगा, जिसमें आपका है स्पेसिफिक उसी में करना होगा। अगर दूसरा में करते हैं तो आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपको 2-3 चीज़ों की आपको डाउनलोड करके रखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड अंडरटेकिंग BA BSc BCom बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट, आपको इस पे डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे है डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर वोकेशनल को अभी नहीं करना है, और उसका डाउनलोड वोकेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसको नहीं करना है अभी। आपको सिर्फ मतलब होगा सबसे ऊपर वाला से डाउनलोड अंडरटेकिंग BA BSc BCom, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म खुलता है, इसमें आपको आपका डिटेल लिखना है। जैसे कॉलेज का नाम इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा पहले, कौन सा लिए हैं BA BSc BCom तो उसको लिख दीजिएगा, मेजर सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है आपका, फॉर्म नंबर क्या है, दोनों आपका जो फॉर्म भरे थे उसमें डिटेल मेंशन है, सीरियल नंबर सिलेक्शन लिस्ट में क्या है आपका वो लिखिएगा, जिनका नहीं है मतलब कि गर्ल्स वाला में नहीं है तो उसको डैश कीजिएगा, लेकिन आपको लिखना जरूरी है उसमें लिस्ट में क्या था, ओपन में है EWS में है उसको आप भरिएगा, अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, यहाँ पे पिताजी का सिग्नेचर अपना, गार्जियन का, या तो फिर अपना सिग्नेचर करके इसको स्कैन कर लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा, इसको अपलोड करना होगा अभी, इसलिए मैंने पहले बताया कि इसको आपको डाउनलोड कर लेना। आप कहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं, आप जैसे कि मैं एक खोल लेता हूँ कि ऊपर में ही खोल लेता हूँ बॉयज सेक्शन UG के लिए, कॉमर्स के लिए। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपका एक गूगल फॉर्म खुलेगा, इस गूगल फॉर्म को खुलिएगा और अच्छे से केयरफुली भरना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए आ गया कि कॉमर्स बॉयज सेक्शन के लिए, इसमें आपको क्या करना है, अपना ईमेल ID डालेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालेंगे कैपिटल लेटर में, बड़ा लेटर में डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, पूरा एप्लीकेशन नंबर जैसे UG 2022-2025 इस तरह करके जो भी एप्लीकेशन नंबर है आपका उसको डालना है, फॉर्म नंबर आपका क्या था उसको डालना है, सिलेक्शन लिस्ट सीरियल नंबर क्या है आपका वो डालिएगा, उसके बाद में CUT मार्क्स अप्लीकेबल, इफ अप्लीकेबल मतलब कि अगर CUT का मार्क्स आपका CUT के बेसिस पे आप भरे हैं तो आपको देना जरूरी है, CUT का मार्क्स आपका मार्कशीट आपको अपलोड करना है, अन्यथा फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, और जिनका नहीं है उसको इसको छोड़ देना है। उसके बाद में 12 का मार्कशीट, अपलोड अंडरटेकिंग जो मैंने अभी बताया आपको, अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको डाउनलोड करना था उसको डाउनलोड करके उसको फोटो खींच करके इसमें अपलोड करना है, और उसको रखे हुए रहिएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। तो ये अंडरटेकिंग इसमें डाउनलोड करेंगे,
कास्ट सर्टिफिकेट से अगर अप्लाई किए हैं, अगर एसटी एससी ओबीसी से किए हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो फिर आपका, अगर आप इसका कास्ट सर्टिफिकेट में आप एक्नोलॉजमेंट डालते हैं तो आपका वेरीफाई नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर बीपीएल से किए हैं तो बीपीएल का आपको डालना होगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में 12 से 24 घंटे के अंदर में आपका अप्रूवल हो जाएगा। वो आपको चेक करना है कहाँ पे, चांसलर पोर्टल में। चांसलर पोर्टल में लॉगिन करके आप लॉगिन कीजिए, आईडी पासवर्ड जहाँ से फॉर्म भरे थे वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करेंगे फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, वो पहले से बनाया हुआ है, उसका लिंक दे दिया हूँ, सबसे ऊपर में है। चांसलर पोर्टल में पेमेंट कैसे करना है, चेक कैसे करना है, वो सारा डिटेल उसमें बताया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होती है, किसी तरह का क्लियरिफिकेशन चाहिए तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कॉलेज में आप विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर किसी तरह की दिक्कत होती है कमेंट कीजिए। और सेकेंड लिस्ट का बात करें, यहाँ से जैसे बहुत लोगों ने पूछा कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं, जी सेकेंड लिस्ट आएगा लेकिन 28 के बाद में आएगा, ये बात को याद रखिए, 28 के बाद में आएगा। थोड़ा सा ये है कि कटअप इस बार हाई गया है मारवाड़ी कॉलेज रांची में, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका सिलेक्शन हो गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मायूस मत होइए, सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। नहीं तो मैं उसके साथ में फिर से आपको एडवाइस करना चाहूँगा, जो मैं पहले से भी बोला हूँ कि आप बैकअप ज़रूर ले लीजिए, बैकअप ले लीजिए ताकि आपको जा करके आगे में दिक्कत ना हो। तो इस तरह का ऑप्शन है, सारा चीज़ मैंने बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। और भी दिक्कत होती है मेरे को बताइएगा, इंपॉर्टेंट लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। दिक्कत होती है आप मैसेज कीजिएगा, मैं बताऊँगा कैसे आपको इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।